नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल ये हाई अलर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। बिहार पुलिस को निर्देश दे दिया गया है तैयार रहने के लिए। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में बिहार में इंटर कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि आखिर खबर क्या है। तो जी हाँ, धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी के लिए पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब पाकिस्तान दूसरे रास्तों की तलाश में है। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहती है कि दूसरे रास्ते में नेपाल सबसे सॉफ्ट टारगेट है। नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकी एंट्री कर सकते हैं। इसको लेकर बिहार पुलिस को निर्देश जारी किया गया और कहा गया है कि आप तैयार रहिए। हर तरफ पुलिस को चौकन्ना रहने का निर्देश दे दिया गया है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान की नज़र दूसरे रास्तों पर है। नेपाल के रास्ते वो घुसपैठ करा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसकी आशंका जताते हुए बिहार पुलिस और केंद्रीय बलों को सचेत रहने को कहा है। इसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि खुफिया एजेंसियों ने बिहार पुलिस, एटीएस और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए स्थानीय बदमाशों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र सीमावर्ती इलाकों में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के अलावा बड़े अपराधियों और नक्सलियों पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। ऐसी आशंका है कि आईएसआई इनकी मदद से आतंकियों को देश के अंदर दाखिल करा सकता है। नेपाल भारत से खुली सीमा का फ़ायदा आतंकी उठा सकते हैं। नेपाल में कई वर्षों से आईएसआई काफ़ी सक्रिय है। स्टेशन और बस स्टैंड पर निगाह रखने को साफ साफ निर्देश दिया गया है। तो खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए इस अलर्ट में कहा गया है कि जो लोकल बदमाश हैं वो मदद कर सकते हैं और आईएसआई उनकी सहायता से अपने गुर्गों को नेपाल के रास्ते बिहार में इंटर करा सकता है। बस स्टैंड, हवाई अड्डे और तमाम रेलवे स्टेशनों पर भी नज़र रखने के लिए साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। तो बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए, आगे और क्या कुछ अपडेट्स आते हैं हम इसको भी आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।